एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ बिलाजियो मॉल, जो कि कतर के सबसे बेस्ट मॉल में से एक आता है। और अभी मैं यहाँ पे रस अबू अबौद मेट्रो स्टेशन के पास जस्ट पहुँचा हूँ। सो बिलाजियो मॉल जाने के लिए वैसे दो रास्ते हैं। आप ऊबर करके जा सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो, और या फिर जो बिलाजियो मॉल है वो येलो लाइन मेट्रो स्टेशन पर पड़ता है अल अजीज़िया पे। तो आप कोई भी मेट्रो स्टेशन पर जा सकते हो जो कि येलो लाइन पर लाई करता है, और वहाँ से आप अल अजीज़िया चले जाओ। अल अजीज़िया में जस्ट निकलने के बाद ही सामने ही मॉल है। सो मैं अभी हूँ रस अबू अबौद मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से मुझे सीधे अल अजीज़िया जाना है, और वहाँ से मैं बिलाजियो मॉल जाऊँगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का क्या सीन है, क्या है। वैसे पिछले ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मैं बिलाजियो मॉल हूँ, सो इस ब्लॉग में बने रही है। मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं, एक एक चीज़ नहीं दिखाऊँगा, बट फिर भी ताकि ऐसा बोरिंग ना लगने लगे आपको ब्लॉग। सो मैं जस्ट इंटर कर रहा हूँ अभी। अभी मैं जस्ट ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर जस्ट इंटर कर रहा हूँ, और कार्ड वगैरह मेरे पास सब कुछ है। तो चलिए चल के देखते हैं क्या है। वैसे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से ज़्यादातर खाली रहता है, इतना भरा नहीं रहता है, लोग उतना आता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन का तो मेट्रो स्टेशन है नहीं, इसमें ज़्यादा आना प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, वहाँ पर एक दो लोग बैठे हुए। सो अभी मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, और ट्रेन भी जस्ट आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, 3 मिनट बताया तो रहा था यहाँ पे, लेकिन आ गई है मेट्रो। सो अभी देखते हैं, गेट खुलने वाला है, सब मैं निकलता हूँ। मेरे बगल से यहाँ से जा रही है मेट्रो, यहाँ से जाते हैं। जो यहाँ पे जस्ट हम आ गए, अभी गेट ओपन होगा। मुझे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मेट्रो में बैठ गया हूँ, और पूरी मेट्रो खाली है यहाँ पे। तो जो रस अबौद मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ से अगर आप बैठोगे ना, तो आपको ऐसे ही मेट्रो मिलने वाला है, यहाँ पूरा खाली रहता है। जैसे ही एक दो स्टेशन स्टॉपेज क्रॉस होंगे ना, उसके बाद देखिए एकदम पूरा भर जाएगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अराउंड 9 स्टॉपेज को पार करके देन उसके बाद मुझे अल अजीज़िया पे उतरना है। तो अल अजीज़िया पे उतरने के बाद वहाँ से जस्ट थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे ना, लाइक 200 मीटर्स पे ना मॉल है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे बिलाजियो मॉल, और मैं अंदर का आपको दिखाऊंगा वहाँ का कैसा सीनरी। बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है, कतर का बेस्ट मॉल में से वो आता है, और ऐसा समझ लीजिए वो अपने आप में एक छोटा वेनिस है इटली का। सो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे। यहाँ पे अल अजीज़िया मेट्रो स्टेशन पे मैं जैसे अभी उतरा हूँ, मुझे मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कार्ड हम लोग पैक करेंगे। सो अभी मुझे इधर से ऊपर जाना होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चहल पहल है, यहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। वैसे रस अबू अबौद की तरह नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखो आ गए हैं वे आउट टू अल बॉब स्ट्रीट। सो अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह लिखा हुआ है सब मेट्रो वगैरह का। और ये देखिए यहाँ का सीनरी, यहाँ का कुछ ऐसा दिखने में है। और ये टावर जो है, ये टॉर्च लाइट टावर है, इसको टॉर्च टावर बोलते हैं, टॉर्च लाइट नहीं, सॉरी टॉर्च टावर बोलते हैं इसको। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, सबसे ऊंचा बिल्डिंग यही है आई थिंक कतर का, टॉर्च टावर। सो ये यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे दिखने में ऐसा कुछ है। वो स्टेडियम है एक वहाँ पे सामने, वो स्टेडियम आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, और ये टॉर्च टावर है, इसको टॉर्च टावर बोलते हैं। मेरे रूम से भी ये, रूम के बाहर जब हम लोग आते हैं ड्यूटी पे, तब वहाँ से भी ये दिखता है। और ये रहा हमारा मॉल, बिलाजियो मॉल, यहाँ पे पार्किंग वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई लोग आ रहे हैं, ये देखो पूरा ज़बरदस्त है। चलिए अभी इधर से हम लोग रोड क्रॉस करेंगे। और ये यहाँ पे देखो काफ़ी ड्राइवर लोग जो भी हैं ऊबर वगैरह के लिए और जो भी चीज़ के लिए, ये लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। किसी को जाना हो तो मतलब ऊबर बुक करने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही बंदा यहाँ पर मिल जाएगा। मॉल का जो बाहर से ऐसा लगता नहीं है कि इतना ज़बरदस्त मॉल होगा, मॉल इन्होंने बनाया है लाइक हाइट पे नहीं बनाया, ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया है, जो लाइक एरिया काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कवर किया है, बट ऊंचे पे नहीं बनाया है। तो अभी अंदर जाएंगे, बाहर से तो ऐसा नॉर्मल सा दिख रहा है, बट अंदर जाके बहुत ज़बरदस्त दिखता है मॉल अंदर से। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग वगैरह दी हुई है, ये देखिए पूरा मैनेजर से दिखाता है। सो ये यहाँ पे लिखा है कैरी फॉर है, बट इसको बोलते हैं बिलाजियो मॉल है, लाइक उधर से बिलाजियो मॉल का एंट्रेंस है।
और यहाँ पे सब गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है। देखो यहाँ पे टैक्सी में कौन सी गाड़ी चलाते हैं लोग, टोयोटा कैमरी टैक्सी है यहाँ पे, टोयोटा कैमरी जो कि 40 लाख के ऊपर ही आती है इंडिया में, टैक्स वैक्स मिला के तो 50 पड़ जाती होगी टॉप मॉडल। देखो टैक्सी लिखा है टोयोटा कैमरी पे। तो यहाँ पे स्टॉपेज वगैरह दिया हुआ है, तो जो लोग आते हैं यहाँ पे उतरेंगे अपना गाड़ी से उतरेंगे, फिर यहाँ पे गाड़ी इधर से पार्किंग चली जाएगी और वो लोग सीधे मॉल में चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी दी हुई है और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रॉप ऑफ ओनली नो पार्किंग विलाजियो। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये यहाँ पे विलाजियो लिखा हुआ है और गेट टू, हम लोग गेट टू से इन होने वाले हैं। और मॉल के अंदर जाने के बाद तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कतर में हैं, ऐसा लगेगा आप इटली में हैं, वेनिस में हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ से एंटर होने वाले हैं। सो ये है हमारा मॉल। सो यहाँ पे एक अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है, मैं आपको इधर से एक और दिखाऊंगा आपको। ये देखिए वो मिनी बस बच्चों के लिए यहाँ पे दी हुई है जैसे घुमाने वुमाने के लिए। और ये सीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा प्रॉपर बोटिंग होती है, कुछ ऐसा यहाँ से दिखता है। देखिए 10 रियाल से 20 रियाल इनके चार्जेस हैं, लाइक पर पर्सन 20 रियाल या 10 रियाल है। लास्ट टाइम हम लोगों ने करी थी, काफ़ी पहले करी थी तो मुझे ध्यान नहीं है, बट 10 रियाल इनके चार्जेस हैं। और ये देखो यहाँ से पूरा बोट ये लोग लेके जाते हैं और उस कॉर्नर तक जाते हैं, लाइक काफ़ी दूर तक ये बोट लेके जाते हैं यहाँ से। अपना कैमरा ना 360 पे रोटेट करता हूँ तो आपको पूरा दिख जाएगा। देखिए ये पूरा इस तरह से कुछ, और ये ऊपर का सीन सीलिंग्स देखिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स वगैरह हैं, राइडो का शोरूम था पीछे, रोलेक्स का था इधर, टॉमी हिलफिगर का है। सो जितने भी महंगे महंगे शोरूम वगैरह जो भी कॉमर्शियल शॉप्स हैं सब इधर ही हैं। ऐसी सी कंपनी के यहाँ पे लाइक स्टोर्स हैं जो कंपनी का नाम मैंने फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, जैसे कि वो कौन सी कंपनी है, चार्ल्स एंड कैथ, वो वॉलेट और लाइक लेडीज़ वेयर की कंपनी है, सैंडल्स वगैरह या हील्स वगैरह वो बनाते हैं। नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, कभी जाना ही नहीं। देखो एक एनाबेल बोल के कंपनी है, वो भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब देखो एक स्टेयर्स दिया हुआ है, स्टेयर्स पे हम लोग यहाँ पे चढ़ के ऊपर से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो सीलिंग है, ये जो बादल दिख रहे हैं आपको ना, ये मूव भी करते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स है, मूव भी कर रहा है, ये टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि एकदम रियल है सब। और ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है, एक 360 व्यू मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए कैमरे में मेरे हिसाब से उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, बट फिर भी अगर रियल में यहाँ पे खड़ा है ना, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया ना तो मैं तो एकदम अलग ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया, ऐसी जगह पे मैं कभी आया ही नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ से दिखने में है। देखिए यहाँ पे वो बोट आ रही दूसरी, इधर से एक बोट जा रही है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ सेट कर रखा है यहाँ पे। और वो देखो एक शोरूम और ऐप बोल के क्या हुआ कि मैंने सोचा कि थोड़ा फोटोज़ वगैरह ले लेते हैं DSLR से। सो मैं जैसे ही कैमरा निकाला एक दो फोटो लिया, फिर ये बंदा आके बोल रहा है सिक्योरिटी वाला कि फोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है, कैमरा वगैरह मत निकालो। तो मैं बोला कैमरा तो सब लोग यूज़ कर रहे थे, कहा नहीं बिग कैमरे से नहीं, जैसे मोबाइल फ़ोन अलाउड है। सो मैंने अपना वापस कैमरा रख दिया। उधर मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ सर, वॉशरूम नहीं मिल रहा है मेरे को, आधा घंटा हो गया मैं इधर टहल रहा हूँ, वॉशरूम नहीं मिला मुझे, देखता हूँ किधर है। तो यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स 5099 कतरी रियाल में मिल रहा है। कैमरा ज़बरदस्त है यार। तो मॉल में इधर उधर करने के बाद अभी मैं बाहर आ गया हूँ, अभी मैं वापस फिर से जा रहा हूँ। सो अभी कुछ मेरे प्लान हो रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में जा कर के कुछ खाऊँ पीऊँ, क्योंकि मॉल में तो मुझे कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लाइक नॉर्मल खाना ही खाना है ना, इंडियन स्टाइल, तो उतना मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं इंडियन रेस्टोरेंट अंदर। अभी मैं जाऊंगा बाहर, देखता हूँ, या तो फिर वापस मैं सोच रहा हूँ इज़दान जाऊँ, इज़दान में ही अच्छा रेस्टोरेंट है मेरे पसंद का, वहीं पे जाता हूँ, या फिर अगर मुझे कुछ इधर कहीं मिलता है अच्छा रेस्टोरेंट तो मैं इधर जाऊँगा। बट अभी देखते हैं, अगर कोई मिला तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर इज़दान ही कन्फर्म है।
क्योंकि फिर निकल जाते हैं। अभी टाइम भी अराउंड 7 हो रहा है, 7 बज रहे हैं अभी। सो मेट्रो स्टेशन में सामने है, तो मॉल और मेट्रो स्टेशन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई आना चाहता है तो इधर से आ सकता है, और मेट्रो स्टेशन में जैसे उतरोगे सामने ही मॉल है, तो आपको ऊपर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और वापस मॉल से निकल के मैं फिर से मेट्रो पकड़ूंगा और वापस फिर जा रहा हूँ रसभुबोध, और फिर वहाँ से सीधे इस्तान। सो पहुँच कर फिर मैं देखता हूँ वहाँ पे कुछ खाने पीने का। रात में कुछ इस तरह लग रहा है, यहाँ पे अकेली एक ऐसी अकेली बिल्डिंग है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और बाकी मेन सेंटर पॉइंट में जब जाओगे आप सेंटर दोहा में तब उधर मिलता है, बट इस साइड में अलाजीज़ा साइड में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है। ये टॉर्च टावर अभी आपको दिखाया था, अभी रात में कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं एंटर कर गया हूँ स्टेशन पे अलाजीज़ा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे से कितना ज़्यादा डेप्थ में अंदर यहाँ से जाना है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नीचे है। जैसे ही मैं नीचे आया वैसे ही मेट्रो आ गई, तो अभी चलते हैं मेट्रो में, लेट्स गो। और अब की और यदि सीट पे बैठूंगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सो अभी मैं इज़दान आ चुका हूँ, और इज़दान आने के बाद लाइक मेरे पीछे लुलू मॉल है, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, पीछे हमने इधर से नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे चला गया। सो अभी यहाँ से मेरे को जाना है तंदूरा किंग। तंदूरा किंग एक रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन फूड सर्व करता है, और नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों मिक्स है उनके पास, बट जो उनका खाना होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नॉर्थ इंडियन, तो बटर चिकन वगैरह बढ़िया रहता है इनका। तो मैं अभी शॉप पे जाने वाला हूँ, मैं अभी आपको स्ट्रेट दिखा देता हूँ शॉप पे। अगर कोई को लाइक फूड वगैरह ट्राई करना है, नॉर्थ इंडियन फूड या साउथ इंडियन भी ट्राई करना है तो ठीक है, मतलब मैं सजेस्ट तो नहीं करता हूँ उतना साउथ इंडियन, बट नॉर्थ इंडियन का बेस्ट रहता है। तो मैं अभी आपको शॉप दिखा दूँगा, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। रेस्टोरेंट का नाम है तंदूरा किंग, इज़दान ओएसिस, अलबुकैर एड्रेस है। मैं अगर शॉप भी दिखा दूँगा आपको, गूगल मैप पर सर्च करेंगे आप तंदूरा किंग अलबुकैर इज़दान ओएसिस तो आ जाएगा। वैसे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, बट तो बस आने वाले हैं शॉप पे। साइड में वगैरह गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है यहाँ पे पार्किंग के लिए, और यहाँ पे लाइन से रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, तो सबके ना बंदे लोग बाहर खड़े रहते हैं लाइक बुलाने के लिए कि आप आइए ट्राई करिए हमारा फूड हमारा फूड हमारा फूड, बट अच्छा है लाइक वो लोग गेस्ट को कैच करते हैं। तो हम लोग चलेंगे तंदूरा किंग, पहुँच कर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं बस शॉप रेस्टोरेंट पर आ ही गया हूँ, यहाँ पर बाहर एक बंदा भी खड़ा है उनका येलो टी शर्ट में। तो यहाँ का बाहर का एरिया कुछ इस तरह का है, आउटडोर सीटिंग भी है इनके पास। हाय गुड इवनिंग। सो ये रेस्टोरेंट इनका तंदूरा किंग, हम लोग अंदर जाएंगे। चलो अभी अच्छा है, ठीक है, खाली है। मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, और ये इनका मेन्यू है जो मुझे दिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेन्यू। देखिए यहाँ पे एड्रेस भी लिखा है शॉप का, और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इधर से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो। और अगर आप इज़दान ओएसिस में हैं तो आपको फ्री होम डिलीवरी भी मिलती है इनकी, तो आपको फ्री होम डिलीवरी भी मिलेगी। सो मैं आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। सो इनके पास यहाँ पे ब्रेकफास्ट आइटम है, डोसा वगैरह है, सब डोसा है, सेट डोसा है, तो 7 रियाल 6 रियाल जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी हद तक इनकी बहुत अच्छी है प्राइसिंग, वो भी आप देख सकते हो। ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए भी आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर सकते हो, पोंगल वगैरह लाइक साउथ इंडियन स्टाइल भी आपके पास मिल जाएगा। और स्टार्टर में देखिए यहाँ पे गोभी चिली 12 रियाल, लाइक प्राइसिंग जो है ना बहुत ही बेस्ट है इनकी, प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है, ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है, बहुत बेस्ट है। अगर इस दान में देखो तो इनका प्राइस बहुत अच्छा है। और ये फ़ोटो के साथ भी इनके डिशेज वगैरह यहाँ पे दिए, जैसे चिकन लॉलीपॉप है 18 रियाल का, आपको 5 पीस मिल जाएगी विद सॉस के साथ, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेटर है इनका। देखिए ये वेज स्पेशल के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, दाल फ्राई दाल तड़का, तो लोग जो वेज खाना प्रेफर करते हैं वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। और इनके पास बारबेक्यू और तंदूर आइटम्स भी है, जैसे कि पनीर टिक्का, तंदूरी मशरूम और चिकन टिक्का, तो बेस्ट रहे इनके पास। इनका मेनू काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, और लाइक हर एक सेक्शन दिया हुआ है, और उतना मेनू मैं दिखाने बैठूंगा तो इस पर मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि लाइक राइस का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उनके पास फ्राइड राइस भी है और बिरयानी भी है, यहाँ पे देखिए बिरयानी वगैरह का भी है, देखिए प्लेन राइस और साउथ इंडियन स्टाइल भी इनके पास खाना है, और मॉकटेल्स शेक्स सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको जूसेस वगैरह का किसी को प्रेफर करना है, फ्रेश जूस भी है उनके पास, तो यहाँ पर देख लीजिए आप शेक वगैरह, लस्सी, स्वीट लस्सी, बनाना लस्सी, तो आप अपना बना सकते हो, इनके पास ये सब भी है इधर। तो अभी मैंने आपको पूरा मेनू दिखा दिया यहाँ पे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने भी कुछ ऑर्डर कर दिया है।
तो अभी मैंने ऑर्डर करा है पनीर टिक्का, सो आज पनीर टिक्का ट्राई करेंगे और पनीर टिक्का खाने के बाद फिर मैं कुछ मेन्स में कुछ ऑर्डर दूंगा। सो अभी वेट करते हैं, लाइक 10 to 15 मिनट्स लगने वाला है जो भी चीज़ें, क्योंकि तंदूर आइटम है तो उसमें टाइम लगता है, तंदूर आइटम में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा टाइम के बाद आता है, सो इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पनीर टिक्का आ गया है, मेयोनीज सॉस, मिंट एंड कोरिएंडर सॉस और ये कढ़ाई पनीर, मालाबारी पराठा। तो प्लेटिंग और पोर्शन इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एज अट्रैक्टिव प्राइस भी है काफ़ी इनका। सो अगर आप एजान में हैं तो मस्ट ट्राई, मैं कहूँगा एक बार ट्राई करिए आके। तो पोर्शन साइज आपको दिखा दिया, चलिए अभी इसको ख़त्म करते हैं। अभी हमारा डिनर कम्प्लीट हो गया है और हम जा रहे हैं वापस अपने रूम की तरफ। और आज का लाइक यही था कि लाइक आज मेरा ऑफ था, तो मॉर्निंग में लाइक खाना वाना जो भी था बनाया अपना, खा पी के रेस्ट करा, थोड़ा से कोर्स वगैरह करने थे, कुछ असाइनमेंट्स थे मेरे, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करे। एक में 46% आए मेरे और एक में 83% आए, सो अच्छा गया। उसके बाद थोड़ा मैं सोचा कि कुछ व्लॉग बनाते हैं, कहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर व्लॉग जो बना रहा हूँ वो इस दान में ही बना रहा था, तो मुझे लगा काफ़ी लोग बोर भी हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कुछ नया नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि आज बिलाजियो मॉल जाते हैं। और बिलाजियो मॉल काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग पसंद करेंगे क्योंकि कुछ नया है, लाइक वो मॉल है बट उसमें सीलिंग वगैरह अच्छी लगी हुई है, ये सब चीज़ ये रीज़न की वजह से थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे, तो मैं सोचा वहीं जाते हैं। तो वहाँ जब गए तो पूरा अच्छे से दिखाया, फिर मैं सोचा कि भूख लग रही है, तो फिर मैं सोचा मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट में इन्होंने बोला भी था कि जो मेरा रेस्टोरेंट है उसका भी एक लाइक छोटा सा कुछ ब्लॉग बना के दिखा दो ताकि लोगों को पता चले, जो लोग नए आ रहे हैं यहाँ पे रहने उन लोगों को पता नहीं है राइट कि कहाँ पे खाना बढ़िया मिलेगा, नॉर्थ इंडियन फूड या साउथ इंडियन जो भी है। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग इनके लिए बना दे ताकि जहाँ यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना उनके लिए इजी रहेगा। तो मैंने एक छोटा से बना दिया, मेनू वगैरह दिखा दिया उसमें अपना, और जो भी उनका फूड प्लेटिंग थी, पोर्शन साइज था, वो सब भी दिखा दिया। सो इसीलिए थोड़ा इजी पड़ेगा, जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग देख करके यहाँ पे जा सकते हैं। और प्राइसिंग भी अच्छा है, अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट आपको थोड़ा कम ही मिलेगा इनके पास प्राइस, और खाना भी टेस्टी है। सो यही था आज का मेरा दिन, अभी तो कुछ नहीं, अभी जाना है, जा करके थोड़ा से रेस्ट करेंगे और मूड बना तो कुछ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह रात में 11 बजे 12 बजे बनाऊँगा। तब तक थोड़ा मूवी भी देख लेंगे, नहीं तो एक दो असाइनमेंट और कर लेंगे, आज तो खाली ही है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, कल वैसे भी इवनिंग शिफ्ट जाना है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं ब्लॉग में, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि और भी ज़्यादा लोग जानें। सो चलिए रखते हैं फिर, थैंक यू सो मच, सी यू गाइज इन नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।